देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक सेंसुई का सेट आया है। सेंसुई वीडियोकॉन दोनों एक ही होते हैं। हो सकता है ये वीडियोकॉन हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो भी हो, सेंसुई वीडियोकॉन फिलिप्स तीनों में एक ही मदरबोर्ड होता है। मैंने इसको खोल लिया है, ये डेड कंडीशन में है। अब इसको कैसे रिपेयर करें, आज आपको पूरा लाइव दिखा देता हूँ। ये इसका मदरबोर्ड है और ये पावर सप्लाई है। मैं पहले इसको लगा कर देखता हूँ क्या इसमें पावर सप्लाई ओके है या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। जहाँ भी है, जो भी प्रॉब्लम है, अभी सामने आ जाएगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ इस सेट को कैसे रिपेयर करेंगे। डेड सेट अगर आपके पास आए तो उसे कैसे रिपेयर करना है, देखिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसका प्लग बिजली में एंटर करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ये सप्लाई ओके है या नहीं है। नहीं है तो इसे कैसे रिपेयर करेंगे, और अगर ओके है तो फिर मदरबोर्ड में क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसका प्लग लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सप्लाई दे दी है और इसकी डाटा शीट निकाल ली है। ये इसी मदरबोर्ड की डाटा शीट है। मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ये आपको भी दिखाई देगा। ये सेम है, सेम मदरबोर्ड है, सेम इसका पूरा डाटा शीट सामने है। अब इसके आधार पर हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं क्या पावर सप्लाई ओके है या मदरबोर्ड में कुछ कमी है। जो भी है सामने आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। पावर सप्लाई को चेक करना या इसको चेक करना, हम इसको ग्राउंड लगा देते हैं। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि 5 वोल्ट कहाँ है या 3.3 वोल्ट कहाँ है। देखिए ये लिखा है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कहाँ है, इस कनेक्टर के पास में, इस मॉड्यूल पर। तो देखते हैं क्या इसमें 5 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं। मैंने ये मल्टीमीटर रख दिया, अब देखते हैं। जी नहीं दोस्तों, 5 वोल्ट इसमें नहीं है। हो सकता है मैंने प्लग नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैं 5 वोल्ट इसमें चेक कर चुका था। ये है, देखिए 5 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है। क्या 12 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है? जब 12 आएंगे तभी तो 5 आएंगे, यानी पावर सप्लाई हमारी ओके है। हमने एक कोई भी वोल्टेज चेक कर लिया तो 5 वोल्ट यहाँ है, तो पावर सप्लाई ओके है। अब मैं दूसरा चेक करता हूँ, 3.3 वोल्ट। इसी मॉड्यूल के आउटपुट में 3.3 आने चाहिए। जी हाँ, इसमें 3.3 भी है। अब क्यों ऑन नहीं हो रहा, और कोई वोल्ट हो सकता है फेल हो? यहाँ आएंगे 2.5, ये इस पर देखते हैं 2.5 है क्या। जी बिल्कुल 2.5 भी प्रेजेंट है। अब इस पॉइंट पर 3.3, तो मैं इसमें चेक करता हूँ कहाँ गया वो। ऐसे मल्टीमीटर को रख देता हूँ सामने, ये वाला, इस पर 3.3 भी प्रेजेंट है इसमें दोस्तों। अब कौन सा वोल्टेज फेल हो सकता है देखते हैं। इस पॉइंट पर भी 3.3 है, तो यहाँ देख लेते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ भी 3.3 एकदम परफेक्ट है। हो सकता है 1.2 वोल्ट फेल हो, देखते हैं 1.2 कहाँ आएंगे। ये 1.2 कोर वोल्टेज इस कॉइल पर, तो हम इस कॉइल पर चेक कर लेते हैं। वो 1.2 भी आ रहे हैं। अब मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर वोल्टेज चेक करने हैं हमें। ये मेमोरी आईसी की पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस पर आने चाहिए 3.3, देखते हैं। इस पर भी 3.3 वोल्ट एकदम ओके है। अब वोल्टेज सारे सही हैं, फिर भी ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? हो सकता है इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर इसमें करना होगा तब ये सेट चालू होगा। अब सॉफ्टवेयर कहाँ से करें? सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास इसकी फाइल होनी चाहिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल इसकी फाइल अवेलेबल नहीं है, मुझे डाउनलोड करनी होगी। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ बिना सॉफ्टवेयर के इसको रिपेयर करने का। इसकी पावर सप्लाई ओके है, मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज ओके हैं, लेकिन सेट का ऑपरेट ना होना ये दर्शाता है कि इसमें सॉफ्टवेयर की कमी है। अब सॉफ्टवेयर कैसे किया जाए? हमारे पास कोई स्क्रैप बोर्ड अगर हो तो उसमें से हम सॉफ्टवेयर की व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम मेरे पास मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में जो मेमोरी आईसी लगी है वो सॉफ्टवेयर की आईसी है। इसमें सॉफ्टवेयर है,
अगर हम इस मेमोरी आईसी को निकाल कर इसमें डाल दें तो शायद सेट बन जाए। तो ऐसा करके हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर है और इसमें जो सॉफ्टवेयर है दोनों का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर दोनों के सेम है, मदरबोर्ड ही सेम है। तो हम इसका मेमोरी आईसी निकाल कर इसमें डाल के देखते हैं, शायद काम बने, नहीं बनेगा तो फिर सॉफ्टवेयर करेंगे। वैसे 99.9% हमारा काम हो जाएगा। मैं देखता हूँ इसमें से इस मेमोरी आईसी को निकाल कर इसमें डाल के फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे पास ये स्क्रैप मदरबोर्ड है, तो मैं इसकी मेमोरी आईसी को निकाल कर इसमें डाल देता हूँ, देखते हैं अगर इससे काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो हम आगे दूसरा प्रोसेस करेंगे। वैसे ये बहुत बड़ा शॉर्टकट होता है सॉफ्टवेयर का, अगर सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम हो तो हम मेमोरी आईसी निकाल कर दूसरी चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करता हूँ, देखते हैं रिजल्ट हमारे सामने होगा जो भी होगा। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, पहले मैं लगाता हूँ इसमें पेस्ट। ये मैंने पेस्ट लगा दी मेमोरी आईसी के ऊपर, ये लगा दी इसकी मेमोरी आईसी के ऊपर। अब ये सब लाइव है दोस्तों, एकदम लाइव। हम पहले इसकी मेमोरी आईसी को निकाल लेते हैं, मुझे चश्मा निकालना होगा, नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम होती है। ये मैंने इसकी मेमोरी आईसी को निकाल लिया, अब इसकी मेमोरी निकाल कर हम अपने सेट में डाल लेते हैं। ये आईसी लग गई है, इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। ये आईसी भी लग गई है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसको हम एक तरफ हटा देते हैं, अगर इससे काम हमारा सक्सेस हो गया तो इस मदरबोर्ड के पैसे वसूल। ये मदरबोर्ड, अगर आपको इस तरह के मदरबोर्ड चाहिए तो स्क्रैप मदरबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, 200 रुपये पीस में हम सभी तरह के मदरबोर्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये स्क्रैप हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इससे मैंने इसमें मेमोरी आईसी को निकाल के डाला, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं इसमें सप्लाई देके देखता हूँ। अभी मल्टीमीटर को हम हटा देते हैं, अब इसमें सप्लाई देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म है। अब हम इस, ये ठंडा हो चुका है, इसमें सप्लाई देके देखते हैं। पहले मैं इस SMD को एक साइड में कर देता हूँ, अब इसका मैंने दबा दिया स्विच। स्विच दबाने के बाद इसमें स्विचिंग कराते हैं, अब पता लगेगा। पहले मैं वोल्टेज ना, ओहो आवाज़ भी आ गई, ये तो ऑन हो चुका सेट। देखते हैं क्या डिस्प्ले आई या नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसे कहते हैं रिजल्ट। ये आपके सामने मैंने लाइव रिपेयर किया, लेकिन अभी भी इसमें एक समस्या और है। ये शायद आपको नज़र आ गई होगी, ये वीडियो कॉन का सेट है और पिक्चर इसमें उल्टी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें फ्लैश आईसी मेमोरी आईसी को चेंज किया है। उस दूसरे मदरबोर्ड में जैसा सॉफ्टवेयर डला था वो सॉफ्टवेयर इसमें है, तो पिक्चर उल्टी आ रही है। अब इसको सीधा कैसे करेंगे, ये तरीका भी आज आपको बता देता हूँ। इसको सीधा करने का तरीका क्या है, पहले हम इसको पलट कर सीधा रख लेते हैं। ये मैंने सीधा रख लिया। अब इसकी पिक्चर को सीधा करने का तरीका आपको बताता हूं। जैसे नॉर्मल सेटों में होता है उस तरह से इसमें पिक्चर को सीधा नहीं कर सकते। इसमें एक कोड डालना होता है, वो कोड कौन सा है कैसे डालेंगे मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं इसको बंद कर देता हूं। देखिए दोस्तों, पिक्चर सीधा करने के लिए हमें इस रिमोट की आवश्यकता होगी जो LED के साथ में आता है। इसमें हमें कुछ कोड दबाने होते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। मेनू, उसके बाद एक ऑप्शन खुलेगा डिस्प्ले पर, हमें साउंड में जाना है। इससे राइट क्लिक करेंगे तो साउंड पे पहुंच जाएंगे। मेनू, साउंड, और उसके बाद हमें ये कोड दबाना है 8532। इससे हमारा पूरा सेटअप खुल जाएगा, सर्विस मोड ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम पिक्चर को सीधा कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं रिमोट से इसमें दबाता हूँ, मेनू,
साउंड 8532। देखिए ये मेनू वाला बटन दबाया, अब इससे हम गए साउंड में, ये आ गया साउंड, अब बटन दबाएंगे 8532, ये कोड दबाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा, एक बार में नहीं खुलता, कभी कभी हमें फिर से दबाना होगा 8532। नहीं खुला, हम मेनू से वापस जाएंगे, फिर मेनू दबाएंगे, साउंड पे जाएंगे, ये साउंड आया 8532, यहाँ सेटअप आ जाएगा लिखकर, नहीं आया, फिर करते हैं, ऐसे हम बार बार करेंगे तो एक बार में हमारा काम हो जाएगा। नहीं आया, फिर से मेनू दबाते हैं, मेनू साउंड 8532, नहीं आया, कई बार हमें कभी कभी करना पड़ जाता है। देखिए फिर से करता हूँ, मेनू साउंड 8532, अगर निश्चित सही टाइमिंग से ये दबते हैं तब ये काम होता है, अगर गलत टाइमिंग से ऐसा हो जाता है तो ये काम नहीं कर, ये देखिए मैंने बार बार प्रेस किया तो ये ऑप्शन खुल गया, वीडियो ऑडियो सेटअप फर्मवेयर। अब हमें जाना है सेटअप में, तो मैं इसमें अप डाउन वाले बटन से इसको सेटअप पर लाया, ये ले आया सेटअप पर, और इसको कर देंगे हम ओके। ओके कर दिया, ऑप्शन आए एम मोड वीजी फंक्शन कीपैड सेलेक्ट। अब हमें नीचे जाना है, फंक्शन स्विच में जाना है, फंक्शन स्विच में गए, ओके कर दिया, ओके करने के बाद और नीचे जाएंगे, ये सारे स्टेप आप नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन आ गया एम रिवर्स ऑन ऑफ, अब इसको हमें ऑफ है तो ऑन कर देना है, ऑन है तो ऑफ कर देना है, मैंने इसको कर दिया ऑन। अब मेनू वाला बटन दबाएंगे तो वापस आते जाएंगे, और अभी ये पिक्चर उल्टी ही है, अब मैं इसको रिमोट से ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो चुकी है, ऑफ करने के बाद इसको फिर से ऑन करता हूँ, अब पिक्चर सीधी हो जाएगी। दोस्तों देखिए अभी जैसे ही सेट ऑन होगा पिक्चर हमारी सीधी हो चुकी होगी, ये देखिए ये सेट ओके हो चुका है, पिक्चर सीधी हो चुकी है, रिजल्ट हमें मिल चुका है, ये देखिए आपको पिक्चर सीधी नजर आएगी। इससे हम पिक्चर सीधी तो कर ही सकते हैं, ऑटो ऑन भी कर सकते हैं, अगर मैपिंग प्रॉब्लम है तो मैपिंग को ठीक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बस इस तरह से काम करते जाइए दोस्तों, और सक्सेस होते जाइए, और मेरे वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।